स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर की प्रीवलेंस देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसका पार्ट वन जो है वो जिसमें हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सिम्टम्स वगैरह डिस्कस किए थे वो आपको मिल जाएगा पार्ट वन में। अब ये पार्ट टू में हम प्रीवलेंस करेंगे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो जब हम प्रीवलेंस देखते हैं तो इंसिडेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर अक्रॉस सोशियो कल्चरल सेटिंग्स लाइकली सिमिलर टू बी ऑब्जर्व इन स्किज़ोफ्रेनिया, कि जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया हम देखते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर में उसी तरह स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म भी हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट में और दूसरी जो जहाँ पे हाई इनकम कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इंसिडेंट स्लो हैं, फाइव फोल्ड लेस हैं इसके स्किज़ोफ्रेनिया की के बनिस्बत, और वो जो सी लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये हायर है, ठीक है, और हायर भी विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स के साथ इसकी हायर है। इन सम सेटिंग दीज स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में भी एज़ कॉमन एज स्किज़ोफ्रेनिया के स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म स्किज़ोफ्रेनिया की तरह ही कॉमन है, लेकिन हाई इनकम कंट्रीज जो सी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उधर इसके इंसिडेंट स्लो हैं स्किज़ोफ्रेनिया की बनिस्बत, ठीक है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म की हम बात कर रहे हैं कि ये माइल्ड लेवल होता है, लाइक के कम से कम हमने बात की थी एक महीना और ज़्यादा से ज़्यादा छः महीने से कम का ही होगा। तो छः महीने का जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कम से कम छः महीने और अगर छः महीने से ज़ायद और जितना मर्ज़ी ज़ायद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर देखते हैं तो सबसे पहले जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल विद स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो ऐसे अगर आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर है तो वहाँ पर रिस्क फॉर स्किज़ोफ्रेनिया भी हायर हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स का डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म के जो से करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, बट डिस्टर्बेंस फॉर इन स्किज़ोफ्रेनिया डिस्टर्बेंस जो सी वो लीस्ट फॉर अ मंथ होगी और स्किज़ोफ्रेनिया में 6 मंथ्स के लिए होगी और स्किज़ोफॉर्म में 1 to 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में होगी, मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम बिलो देन 6 मंथ्स, और स्किज़ोफ्रेनिया का स्टार्ट ही 6 मंथ से होता है, ठीक है, जब स्टार्ट 6 मंथ्स हो गए हैं उसको उस प्रॉब्लम के साथ। उसके बाद फिर हम मजीद बात करते हैं जो सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्स फंक्शनिंग डेट इंक्लूड्स लास्ट 1 मंथ ऑफ एक्टिव फेज साइकोटिक सिम्टम्स के एक्टिव फेज साइकोटिक सिम्टम्स भी हैं उसमें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर का हमने आपस का डिफरेंशियल डायग्नोस देख लिया, वो टाइम ड्यूरेशन है कि स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म में मसला जो है वो कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से कम तक ही होता है, ठीक है, एक्टिव फेज इतना ही रहता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में एक्टिव फेज जो है वो लगातार 6 महीने तक रहता है, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स हम उसको कहेंगे अच्छा इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, 6 महीने कम से कम उसका जो सा मसला है वो 6 महीने हो गए हों उसके मसले को, फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया करते हैं। उसके बाद फिर हम स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म और स्किज़ोफ्रेनिया दोनों को ही हमने, क्योंकि दोनों के क्राइटेरिया सिमिलर है बस टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस है, अब हमने इसको साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन डिलीरियम मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स और दूसरे मेडिकल कंडीशन से डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे इटियोलॉजी, जनरल मेडिकल कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ इटियोलॉजी देखेंगे, जनरल मेडिकल कंडीशंस देखेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर जो है वो तब डायग्नोस नहीं करेंगे अगर किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या मेडिकल कंडीशन की वजह से हुआ है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हेड ट्रॉमा आ सकता है, कोई भी डिस्टर्ब्ड ब्रेन पार्ट आ सकता है, उसमें किसी भी ऐसे मेडिसिन का यूज़ या ऐसा सब्सटेंस यूज़ आ सकता है जिसकी वजह से हलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स होने का खतरा हो, यहाँ पे जो भी 5 जो से फीचर्स हैं नेगेटिव सिम्टम्स कैटाटोनिक बिहेवियर ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और हमारे जो से थर्ड वन है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ये 5 जो से हमारे सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के फेमस जो कि आपको मिल जाएंगे इसकी ही प्लेलिस्ट में जो कि मैंने इन डिटेल डिफरेंट पार्ट्स भी हैं इतनी डिटेल से मैंने समझाया है। तो उसके बाद फिर हम सब्सटेंस मेडिकल इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं कि सब्सटेंस मेडिकल इंड्यूस्ड कि किसी मेडिकेशन की वजह से किसी सब्सटेंस यूज़ की वजह से अब साइकोटिक फीचर्स इंड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह ये चीज़ हो सकती है कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस या ऐसा मेडिकेशन इफेक्ट है जिसकी वजह से उसको साइकोटिक फीचर्स अराइज हो रहे हैं, साइकोटिक फीचर्स हैं लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म का डिसऑर्डर नहीं है। उसके बाद स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करते हैं। स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर में भी हमने जब स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म आपको पढ़ाया था तभी हमने स्किज़ोफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया और सब ब्रीफ साइकोटिक के साथ इसका डिफरेंशियल डायग्नोस कर लिया था, लास्ट में उस वीडियो में है, लेकिन फिर भी स्किज़ोफेक्टिव से हम तब करेंगे जब हम बात करते हैं मूड डिस्टर्बेंस की, तो तब हम ये बात करते हैं कि जब उसको हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स का ऑनसेट स्टार्ट हुआ है उस ऑनसेट के साथ ही उसके मूड स्विंग्स भी स्टार्ट हों,
या तो डिप्रेसिव मूड हो या फिर मैनिक मूड हो या फिर दोनों मैनिक और डिप्रेसिव फेस उसके साथ ही अराइज हो, तो फिर उस हिसाब से फिर हम इसको कर रहे थे डायग्नोस। तो अगर मूड स्विंग्स प्रेजेंट होंगे विद एक्टिव फेस, एक्टिव फेज ऑफ साइकोटिक फीचर्स, अगर मूड स्विंग्स भी प्रेजेंट होंगे तो हम स्किज़ोफ्रेनिक कहेंगे, अगर मूड स्विंग्स एब्सेंट होंगे तो वो नेगेटिव सिम्टम्स में जाके नेगेटिव सिम्टम्स के थ्रू हम उनको डिफाइन करेंगे। नेगेटिव सिम्टम्स में और डिप्रेसिव फेस में आपको डिफरेंशियल करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, साइकोटिक फीचर्स कैटाटोनिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कैटाटोनिक एसोसिएटेड विद बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, इन सब से हम कैसे डायग्नोस करेंगे। इसमें ये कि साइकोटिक और कैटाटोनिक सिम्टम्स जोन से हैं एक्सक्लूसिवली मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसको करैक्टराइज ऐसे करना है कि पहले मैनिक या फिर डिप्रेसिव एपिसोड्स का जो से सिम्टम्स आएंगे या फिर जो क्राइटेरिया उसका ऑनसेट होगा, उनके ऑनसेट के बाद फिर साइकोटिक फीचर्स रिपोर्ट होना शुरू होंगे। ठीक है, पहले डिप्रेसिव एपिसोड्स या मैनिक एपिसोड्स का ऑनसेट अकर होगा, उसकी अकरेंस आफ्टर द अकरेंस ऑफ मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स द अकरेंस ऑफ साइकोटिक फीचर्स विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, कि उसके बाद फिर हो रहा है लाइक एक हफ्ते बाद फिर हमें रिपोर्ट होना शुरू हुआ है कि चल ये डिल्यूजनल बातें करने लग गया, अच्छा अब ये ऐसी बातें करने लग गया, तब फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया कहेंगे उसको। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनोफोम का माइनर सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस था, इसमें कुछ डिफरेंट है ही नहीं, क्योंकि साइकोटिक फीचर्स में मेजर डिफरेंस ये है हलूसिनेशंस का और डिल्यूजन्स का। हलूसिनेशंस डिल्यूजन्स के आपस में बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि किस टाइप के कौन से थीम के हलूसिनेशंस है उसको, ऑडिटरी है, विजुअल है, गेस्टेट्री है, टेक्टाइल है, किस टाइप का है आपको वो डिफाइन करना पड़ता है। उसको डिफाइन करने के बाद आपको थीम ऑफ द डिल्यूजन्स डिफाइन करना पड़ता है, उसको फिर स्पेसिफायर्स इतने ज़्यादा इन सब के, रिमिशन, पार्शल रिमिशन, एक्टिव फेस, मल्टीपल एपिसोड्स विद एक्टिव एक्यूट विद एक्यूट एपिसोड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसके स्पेसिफायर्स हैं, स्पेसिफाइज करके फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा इसको स्किज़ोफ्रेनिक या स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म में जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन और जितनी अच्छी आपकी असेसमेंट होगी। और इसके लिए हम रोशार्क यूज़ करते हैं इसके असेसमेंट के लिए। TAT में काफ़ी इन लोगों की स्टोरीज डिल्यूजनल टाइप्स ही होंगी, जिस तरह का इनका थीम ऑफ डिल्यूजन होगा उसी तरह की इनकी थीम जो सी है स्टोरीज होंगी, और उसी ही एक थीम में या दो थीम्स में इनकी सारी स्टोरीज होंगी। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो, और अब मैं लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।